प्रलिगन तब आ जाएगा, प्रलिगन गया है दोबारा तेंदुआ मेरे ख्याल से पति बर्फ पे तेंदुआ मेरे ख्याल से है अड़ाई की और तने पक्का देखा है पक्का देखा गया थी 100% भाई ये लेकिन तीन सवारी क्यों आ रहे हो आप लोग सर बाइक में दिक्कत हो गई रास्ते में वो भाई अभी एक वाटर प्रूफिंग आ गई है जो हम फोटो वीडियो देख रहे थे ना बार बार कि दोनों तरफ बहुत ज़्यादा स्नो थी उसके बीच से जाना पड़ेगा आखिरकार वो पॉइंट आ ही गया दो पसी राम राम जी आज है 17 मई 2023 और सुबह के 6 बजे का टाइम हुआ है ये अभी हम गुंजी में है अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप ओम पर्वत चले जाओगे और यहाँ से अगर आप इस तरफ जाओगे तो आप कूटी चले जाओगे लो भाई अभी राइड स्टार्ट ही की थी और ये ऑयल लीक होने लगा कहाँ से हो रहा पता नहीं चल रहा अरे उड़े ताव है आड़े तो कितने ताव है रेडी कर पर लेकर जा रहे पति रेडी कर दियो अरे ऐसा क्यों लग गया सोकर का तेल होगा सोकर का तेल है है पेट्रोल A few moments later. दो भाई अभी एक वाटर प्रूफिंग आ गई है तो तीन बंदे हैं क्योंकि मेरी बाइक में दिक्कत है चलो 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 अरे बगलो चलो 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 लो भाई यहाँ पर पर्ची काटी जा रही है मंदिर के लिए 100 रुपए की आदि कैलाश विकास समिति ग्राम पंचायत कुटी दारचूला पिथौरागढ़ नाम क्या है 100 रुपए की अरुण विकास और सागर अरुण ही लिख दो एक ही लिख दो लो जी अभी चाय पी ली है 10 रुपए की चाय है कुटी में चाय पी ली है और यहाँ पर 100 रुपए की पर्ची कटती है मंदिर समिति के नाम से लोकल काटते हैं साथ में कूड़ादान देते चलता फिरता कूड़ादान अगर आपको कुछ भी कूड़ा डालना उसमें डालेंगे और उसके बाद वापस यहाँ पे जमा करा देंगे यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर बाइक पे जाएंगे उसके बाद 2 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है उसमें आधा घंटे में पहुँच जाएंगे बिस्कुट का नहीं लगाया आपने चाय 15 का लगाया क्या चलो कोई नहीं तो था भाई इसके पैसे निकल वीर बजरंगे दोस्तों पहुंच चुके हैं आदि कैलाश के सफर पर और हम पहुंचेंगे सीधा आदि कैलाश बाबा के चरणों में चला हुआ लेकिन ये बोल रहा कि भाई हार नहीं मानूंगा दर्शन करा के कम लूंगा ओ भाई आरी के बारे में क्या बोलना चाहोगे भाई साहब आरी दम नहीं तोड़ेगा तोड़ तो दिया भाई एक चीज बता 3 बंदे 300 किलो वेट है और हाइट देखना यार ये सारी चीजें तो देखी ही नहीं उतरना पड़ेगा तो मानना को ना बोले तो फोन नहीं
रिस्क ना ले भाई, रिस्क ना था, तेरा देख लिया था ना। क्या कीचड़ है बहुत अरे तो दा अगर के चला ना तो मेरे के लिए अच्छा है, धक्का मारना पड़ गया तो रे। लो भाई जो हम फोटो वीडियो देख रहे थे ना बार बार कि दोनों तरफ बहुत ज्यादा स्नो थी, उसके बीच से जाना पड़ेगा, आखिरकार वो पॉइंट आ ही गया। ये सामने हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा तब तक बातचीत कर लेते हैं। गुंजी से 18 किलोमीटर दूर है कुटी, और कुटी से 13-14 किलोमीटर आगे है, तो कुटी में चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी। सेकंड, वहाँ पर हर एक बंदे की पर्ची कटती है, पर्ची 100 रुपये ही कटेगी, साथ में आपको एक जोड़ा दे देंगे जिसको बोलते हैं चलता फिरता कूड़ादान। उस कूड़ादान में आप कुछ भी बिस्किट कुछ भी खाते हो उसमें डाल देना, और वापस जाते टाइम दे देना। तो अभी रास्ते में एक पॉइंट आ गया खतरनाक वाला, देखो उससे पहले दही बाइक आ रही है, भाई नाला ना गणेश नाला कितना दिख गया, गणेश नाले पे वाटरफॉल पाओगा। चलो देखते हैं भाई, तो नीचे से हम चलते हैं ना, बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है। देखने में आपको लग रहा होगा कि कीचड़ है, पैर रखते ही फंस जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा। सुनो देखो कितनी कितनी भाई उड़ उड़ा कर 10-10 बार 14-15 फुट की होगी ना, बहुत टफ कंडीशन, जो सुनो है ना वो शीशे टाइप से बनी हुई है, टूट टूट के शीशे का काम करेगी यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे कितनी स्नो है, दही शीशे का काम करेगी, और यहाँ पे स्नो देखो भाई, आपको आइडिया लगेगा। रास्ता भाई वहां से था लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ, सागर भाई आ रहे हैं, बोल रहे आगे तो सही है। बीच में भाई एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर हमें लग रहा था कि इसकी कहानी यात्रा रुकी हुई थी, उसके बाद मेरे हिसाब से तो कुछ पॉइंट ऐसा आया नहीं है, और जो पॉइंट आया ना उसको हम क्रॉस कर सकते थे थोड़ी सी ट्रैकिंग करके, हाँ गाड़ी बाइक नहीं जा सकती थी वो बात अलग है, बाकी थोड़ी सी दूरी पर और रहता यहाँ से। लो भाई एक पॉइंट और है यहाँ पे जहाँ पर संभव है, 13,500 फीट से ऊपर हैं, चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी, एक बार व्यू देखो आप चारों तरफ का, ये बाइक है और मे भी वो एक चेक पोस्ट टाइप से दिख रही है, वहाँ तक जाना है, वहाँ से ट्रैकिंग है शायद, तो चलो बैठते हैं। 13,800 फीट पर हम, गुंजी 12,000 कुछ पर थे, ना आठ कुट्टी 12,000 कुछ पे, और गुंजी और कम था ना। चले चलो जी, उल्टे नीचे उतारेंगे भी, ए फ्यू मोमेंट्स लेट। सामी उस बर्फ पे है, सामी चलता रहा, तू बता दूंगा जानवर ना दौड़े, वो क्या है और कुछ है, कुछ ना कुछ है जरूर बनाए रखा है।
पर्दी कहन तब आ जाएगा, पर्दी कहन गया दो तेंदुआ मेरे ख्याल से पति बर्फ पे तेंदुआ मेरे ख्याल से है इस पत्थर के पीछे है। रुक जा रे, रोक ले बाइक, रोक ले बाइक, रोक ले, उतर उतर जल्दी उतर। कौन सी पत्थर के पीछे बता ना कौन है यार। अरे रुक जा ना, चूतिया मैं उड़ली कहन जाकर बताऊंगा, उड़ली कहना उड़ली कहना। अरे तो बता तो दिया देता है, यो पत्थर है ना हाँ, इसके डायरेक्ट पीछे, इस पत्थर के पीछे हाँ, इस पत्थर के पीछे तेंदुआ थोड़ी लग जाएगा। रुक जा ना यार, तेंदुआ या पता नहीं क्या है पर है जरूर, जानवर है यो पत्थर जो है हाँ। कौन सा पत्थर का है यो? यो रपेल डाय हाँ, यो रे यो क्या है, यो तो है कुछ कोने आ जा। अरे कुछ कोने आ जा, कुछ कोने आ जा, मां क्या रे यार। सागर भाई कह रहे हैं कि पीछे तीन दो दिखाता हूं। मैं बैठू लुक गया भाई। हाँ लुक गया यहाँ पे, नू नहीं दे रखा है, मैं लुक गया पर लुक गया, बना पता भी ना था मेरे को, सुनो लैपटॉप होगा तोड़े जो भी था वो जल्दी लुक गया। अंतर तो दिख जावे कितनी ज्यादा सुनो। अरे देखा भाई, रोड क्रॉस करा प्रॉपर भाई। सागर भाई ने कोई जानवर देखा? मैं नहीं पता क्या देखा, मैंने नहीं देखा। सुनो लेपर्ड था आप तेंदुआ था, नहीं देखा? सुनो लेपर्ड पे पावा तेंदुआ प्रॉपर, मतलब रोड क्रॉस करा उसने। हां तो सुनो लेपर्ड उतरो भाई, एक ना उतरना पड़ेगा। अरे निकल जाएगी ये, शायद गणेश नाला हो सकता भाई, शायद सागर भाई कह रहे मैंने देखा है, सुनो लिया पड़े तेंदुआ, ये नहीं पता। और उस पत्थर के पीछे रुको, पत्थर के पीछे तो मैं कुछ दिखा नहीं, पर ये शॉर्ट के साथ कह रहा है इसने देखा। क्या क्या है? पत्थर था हाँ, पत्थर के और लेकिन घास थी हाँ, उस घास के नीचे था। समुद्र कल
जोलिंगकोंग में आपका स्वागत है 4630 मीटर पे। नमस्कार सर। थोड़ा ही है लेकिन तीन सवारी क्यों आ रहे हो आप लोग सर? बाइक में दिक्कत हो गई रास्ते में, ऐसे गिर जाओगे क्या फायदा सर? बाइक में दिक्कत हो गई। ये जोलिंगकोंग है सर, यहाँ से कितने किलो यहाँ से कितना और रहता सर? कितना फिर भी वही आधी क्लास इधर से ऐसे थोड़ा घूम के जाओगे उधर से उसके कुंड के दर्शन हो जाएंगे। ओ भाई जय शिव शंभु। लो जी जोलिंगकोंग पहुंच चुके हैं। जोलिंगकोंग कोई गांव या विलेज नहीं है, ये आईटीपीपी की चेक पोस्ट है, थोड़ा सा आगे आर्मी की चेक पोस्ट है और यहीं से आधी कैलाश भगवान के दर्शन हो रहे बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में वो ये बिल्कुल सेंटर में। अरे काका उस तरफ है, उस तरफ सबसे उस तरफ ये। हाँ आंगली ना करे अच्छा। तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा और जितना आगे जा सकते हो उतनी आगे जाओ, आगे ले ले थोड़ा सा और जितनी आगे जा सकते हो जाओ, उसके बाद पैदल। कितनी आगे तक बाइक जाएगी भाई? बाइक आगे ले जाने नहीं देते, ऐसा करते फिर यहाँ से 100 मीटर लग जाने देते उसके बाद। और फिर ट्रैकिंग कितना है? ट्रैकिंग है आपका आना जाना तो 10 किलोमीटर है, आना जाना 10 किलोमीटर। नमस्कार जी, कहाँ से सर? बॉम्बे। चल फिर जितनी आगे थी ले जाए जा। कहीं पे वहाँ पे कीचड़ में तकलीफ नहीं हुई? जहाँ दिक्कत होती है वहाँ उतर जाते हैं। फिर चले कैसे? दूसरी बाइक में नीचे दिक्कत हो गई, कुटी में, सॉरी गुंजी में। चल बैठ। लो भाई यहाँ से 200-300 मीटर दूर थी आईटीबीपी की चेक पोस्ट और अभी यहाँ पे है आर्मी की चेक पोस्ट। एक पॉइंट है वहाँ तक जा सकते हो, गौरीकुंड और आदि कैलाश उस तरफ है और पार्वती कुंड दूसरी तरफ है और ये यहाँ पे है केमीन। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ठीक हो सर? ठीक। ये है भाई जोलिंगकोंग कैफेटेरिया केमीन का। Hey guys, अभी right now 4000 मीटर की ऊंचाई और आदि कैलाश और बहुत बेहद करीब है, बिल्कुल बेहद। और यहाँ पे मिलता है। नमस्कार जी। रहने की भी व्यवस्था सर? कितने रुपए चार्ज है? हेड है। कितने रुपए पर हेड है? एक रोटी बताओ ना सर। और कैलाश यहाँ से अभी थोड़ी सी एक ट्रैक होगी सर। रुकने की व्यवस्था में कितना चार्ज है कुछ बताओगे थोड़ा सा? हम तो यहाँ एक जने का 1500 रुपया, खाना पीना उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर है या एक है? 1500 रुपये पर हेड। ओके, और अलग से खाने की प्लेट का क्या चार्ज है सर? 300 रुपये लेते हैं। 300 रुपये लेते हैं। ओके, और चाय का सर? 20 रुपये। क्या क्या मिल जाता है सर खाने में? अगर अभी तो अभी आज ही बचे सब मिल जाए। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब नीचे बताएंगे ना कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था, इसलिए पूछ रहे हैं सर। मिल जाएगा सब्जी, रोटी, सब्जी, दाल, सब बनाया। अच्छा, सब मिल जाएगा सर? सब मिल जाएगा। आज पहली बार दर्शन हो रहे ना या कल भी हुए थे? कल ही तो आए। कल ऊपर बंदे गए हैं सर? नहीं तो कल हम शाम को आए थे यार। अभी ऊपर कोई नहीं गया? नहीं नहीं, फर्स्ट आज ही है। ओके, आज फर्स्ट पहुंचे हम, फर्स्ट है। कल एक गुरु आया। हाँ। दो गुरु आए, दो दो वो नीचे से दर्शन करके गए ना, यहाँ तक ही आए थे। हाँ। दर्शन को अभी कैलाश दर्शन हो जाएगा ऊपर से ना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। पैदल जाओ। हाँ जी, वो छप्पर होगा वहाँ से घर से हम यहाँ गौरीकुंड तक जाएंगे हम। अभी तक यहाँ वहाँ तक जाओ, एक बार थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं सर, कुछ नहीं खा रखा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यहाँ पे केएमएन की व्यवस्था मिल जाएगी जोलिंगकोंग में, जो कि होटल वाला हूँ मैं। ओहो, बनेगा अभी। ओके, हम सोचे केएमएन है। तो भाई अभी केएमएन का नहीं है, यहाँ पे होटल है सर का, तो खाने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी आपको, जैसा कि सर ने बताया 1500 रुपये में पर हेड, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, चाय, पराठा, दाल सब कुछ मिल जाएगा। अगर प्लेट सिस्टम है तो 300 रुपये की, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुक्तिनाथ उस तरफ तो 350 तक था। और उसके बाद थोड़ी सी दूर आगे जाके एक पॉइंट है, वहाँ से एक तरफ चला जाएगा गौरीकुंड और आदि कैलाश और एक तरफ है पार्वती कुंड। कल पहला जत्था आया था लेकिन वो नीचे से ही दर्शन करके गया था, ऊपर नहीं गया था, तो पहले बंदे हम हैं। जैसा कि आपने पीछे रजिस्टर में देखा उसमें भी पहली एंट्री हमारी ही थी। तो भी हल्का फुल्का खाना खाते हैं और फिर करते हैं दर्शन। जय श्री शंभू।